टीम इंडिया से जुड़ते ही गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल ने कर दिए 3 बड़े ऐलान, जिसे सुनकर पूरे हिंदुस्तान में छाई खुशी की लहर। अब क्रिकेट पर होगी टीम इंडिया की राज। भारत को दुनिया की बेस्ट टीम बनाएंगे नए गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल। मॉर्कल के इन 3 फैसलों ने जीत लिया करोड़ों भारतीयों का दिल। गंभीर से लेकर रोहित तक सब ठोक रहे हैं सलाम। BCCI भी हुई खुश। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कैसे मॉर्नी मॉर्कल आते संग ही दोस्तों भारतीय टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। और ये दिखाता है कि भले ही हमने विदेशी टीम को हायर किया हो, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही भारत को टॉप पर ले जाने की है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के नए गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल टीम इंडिया को दुनिया की बेस्ट टीम बनाना चाहते हैं। मॉर्नी मॉर्कल ने अपने एक बयान से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। भारत के नए गेंदबाजी कोच मॉर्नी मॉर्कल का मानना है कि भारतीय क्रिकेट की व्यवस्था अपने आप संचालित होती है और उनका लक्ष्य छोटे छोटे तरीकों से इसे बेहतर बनाना है। मॉर्नी मॉर्कल काफी समय से भारत में रह रहे हैं। वह भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के सहयोगी स्टाफ में भी शामिल थे, इसलिए वह भारतीय क्रिकेट की व्यवस्था से अच्छी तरह से वाकिफ है और जानते हैं कि उन्हें इसमें किस तरह से काम करना है। ऐसे में दोस्तों मॉर्नी मॉर्कल ने BCCI टीवी से कहा कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने आप संचालित होती है, इसके लिए सुरक्षित रखना और छोटे छोटे तरीकों से इसे बेहतर बनाना ही मेरा लक्ष्य होगा। और दोस्तों उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भारतीय टीम को बेस्ट टीम बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 544 विकेट लेने वाले मॉर्नी मॉर्कल भारतीय क्रिकेट टीम के पेशावर रवैया देखकर भी हैरान है। मॉर्नी मॉर्कल ने कहा कि यह अच्छे संकेत हैं और उम्मीद है कि हम आगे बढ़ने का योगदान देंगे। मॉर्नी मॉर्कल बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले लगाए गए अभ्यास शिविर में टीम इंडिया से जुड़े हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं टीम इंडिया को विश्व की सबसे बेहतरीन साइड बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बॉलिंग से पूरा का पूरा कोशिश करूंगा जिससे यहां पर पूरी तरीके से चीजें ठीक हो जाएं। मॉर्नी मॉर्कल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि BCCI से फोन पर बातचीत खत्म होने के बाद मैं 5 मिनट तक कमरे में बैठा रहा। मैंने अपने पत्नी नहीं बल्कि अपने पिताजी से बात की, जबकि कहा जाता है कि पत्नी को बताना चाहिए, इसलिए मेरे लिए खास पल था। मैंने उस पल का आनंद लिया और फिर अपने परिवार को बताया। ऐसे में मॉर्नी मॉर्कल ने यहां पर दूसरा जो ऐलान किया ये कहा है कि भारतीय टीम के जो बॉलर्स हैं उनको काफी देर से चोटें लगती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा आने वाले 2-4 सालों में यही लक्ष्य होगा कि खिलाड़ी कम से कम चोटें हो और ज्यादा से ज्यादा खेलों के लिए अवेलेबल रहें। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो ऐलान है उसे सुनने के बाद तो एक क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में भारतीय टीम विश्व में राज करने वाली है। और वो ऐलान है दोस्तों मॉर्नी मॉर्कल का टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस को लेकर। उन्होंने कहा कि अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय टीम बड़े स्टेजेस पर बहुत ही बेकार प्रदर्शन करती है और कई बार संकट में फंस जाती है, लेकिन मेरा यही लक्ष्य होगा कि भारतीय टीम को अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट बनाना होगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम विश्व के नंबर 1 टीम बनने को तैयार है। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।